हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपका एंट्रोपी का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने एंट्रोपी में कुछ पॉइंट्स देखे हैं, जैसे कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है। फिर एंट्रोपी जनरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सभी चीजें हमने प्रीवियस टू लेक्चर में देख लिया है। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा। ओके, यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है। फिर हम लोग टीएस डायग्राम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंबाइंड इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब कंबाइंड किया जाएगा तो हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद टीएस डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का क्या स्लोप होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके माय डियर, तो चलिए, जैसा कि आपको याद होगा, जैसा कि आपको याद होगा, यूनिवर्स किस टाइप का सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था। यूनिवर्स किस टाइप का सिस्टम है, तो माय डियर, यूनिवर्स आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जिस सिस्टम से ना तो मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। दैट मींस सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ना ही मास ट्रांसफर होगा, एमटी जीरो होगा मास ट्रांसफर, और एनर्जी ट्रांसफर भी जीरो होगा। दैट मींस ईटी इज इक्वल टू जीरो। तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर जीरो है, और एनर्जी ट्रांसफर दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज योर हीट ट्रांसफर एंड सेकेंड इज वर्क ट्रांसफर। चूंकि एनर्जी ट्रांसफर ही जीरो है, दैट मींस हीट ट्रांसफर भी आपका जीरो होगा एंड वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, यूनिवर्स के लिए हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर जीरो होगा। ओके, और फिर हमें इसी यूनिवर्स के लिए इंट्रॉपी चेंज फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, वी नो दैट, वी नो दैट वी नो दैट ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू dq/t, ये हमने पढ़ा है। ओके, बट यदि यूनिवर्स के बारे में बात किया जाए, सो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर देखिए यूनिवर्स के लिए dq का वैल्यू क्या होगा माय डियर, तो dq का वैल्यू आपका जीरो होगा, क्योंकि यूनिवर्स के लिए ही ट्रांसफर जीरो होता है। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, 0/t। सो हियर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर, आपको याद रखना होगा। आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से ज्यादा होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, इफ इफ एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स
is equal to zero that represent reversible process. That represent reversible process. Okay, but if entropy change of the universe is greater than zero, then it represent irreversible process. Irreversible process. ओके माय डियर, चलिए अब यहां पर देखते हैं ये जो रिलेशन आपको मिला है, ये जो आपको रिलेशन मिला है, इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए. यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा उसके लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो होगा. बट माय डियर फ्रेंड, रिवर्सिबल प्रोसेस आपका एग्जिस्ट नहीं करता है. ये क्या है, ये हमारा इमेजिनेशन है. एंड इस दुनिया में जितने भी प्रोसेस होंगे या होते हैं, वो सभी प्रोसेस किस टाइप के प्रोसेस हैं, वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. यानी रियल वर्ल्ड में, रियल कंडीशन में अगर बात किया जाए, तो आपका यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. यानी यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज इंक्रीज करता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. अब और समझिए अच्छे से, मान लीजिए कि कोई प्रोसेस कम इरिवर्सिबल है, तो उसके लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज थोड़ा सा कम होगा, बट जीरो से ज्यादा होगा. अब यदि वो प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल हो जाता है, तो उसके लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू. बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होता जाएगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज बढ़ता जाएगा. एंड चूंकि इस दुनिया में, इस रियल वर्ल्ड में इरिवर्सिबिलिटी लगातार बढ़ते जा रहा है, इस कारण यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज भी लगातार इंक्रीज करते जा रहा है. और इसीलिए इस रिलेशन को बोला गया है, दिस रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. यूनिवर्स का एंट्रोपी लगातार बढ़ते जा रहा है माय डियर. क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी प्रोसेस है वो ज्यादा इरिवर्सिबल होते जा रहे हैं, और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लगातार बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होना चाहता है, मैक्सिमम होना चाह रहा है. बात समझ में आ रहा है? तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, अब याद कीजिए जब हमने सेकेंड लॉ स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं, क्वालिटेटिव. ओके, एंड फर्स्ट लॉ को हम लोग क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं. ये बताया था मैंने. एक चीज और बताया था मैंने, आपको याद होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड डायरेक्शनल लॉ. ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ के हेल्प से हमें किसी भी प्रोसेस के डायरेक्शन का पता चलता है, किसी भी प्रोसेस के डायरेक्शन का पता चलेगा. कैसे पता चलता है? तो मैंने बताया था कि हम लोग एंट्रोपी के हेल्प से देखेंगे. तो आइए, अब वो टाइम आ गया है जब आप यहां पर देखेंगे कि किसी भी प्रोसेस का डायरेक्शन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी चेंज. और यहां पर देखिए, मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ध्यान से आपको समझना है. मान लीजिए एक प्रोसेस मैं यहां पर ले रहा हूं, एक प्रोसेस मैं ले रहा हूं 1 2 1 2. इसका डायरेक्शन मान लीजिए इस तरफ. अब सेम आप यहां पर एक दूसरा प्रोसेस ले लीजिए, यहां पर आप एक दूसरा प्रोसेस लीजिए, बट ये प्रोसेस में डायरेक्शन हम लोग 2 से 1 की तरफ ले रहे हैं. अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा प्रोसेस पॉसिबल होगा, दैट मीन्स किस प्रोसेस का डायरेक्शन सही है, प्रोसेस 1 से 2 के तरफ जाएगा या 2 से 1 की तरफ जाएगा. इसका क्या मतलब है? सिस्टम का स्टेट पॉइंट, सिस्टम इस 1 पॉइंट पे जब था
उसका कंडीशन, और फिर कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि सिस्टम का कंडीशन पॉइंट टू पर है, दैट मीन्स सिस्टम कहां से कहां तक गया है, तो वन से टू तक गया है। उसी तरह अगर किसी दूसरे केस में सिस्टम इनिशियली इस टू पॉइंट पर है एंड फाइनली वन पॉइंट पे पहुंच रहा है, ओके, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? टू से वन होगा। तो क्या ये डायरेक्शन डायरेक्शन कब हम लोग यहां पर एज्यूम करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, आइए उस चीज को समझते हैं। अभी आपने क्या देखा कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप इस प्रोसेस के बारे में बात करें, अगर आप इस प्रोसेस के बारे में बात करें वन से टू प्रोसेस के लिए, तो इस वन से टू प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर वन टू प्रोसेस, ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को, फॉर वन टू प्रोसेस, वन टू प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। और अगर ये वैल्यू आप देखेंगे कि अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ा हो गया या बराबर हो रहा है इस वन टू प्रोसेस के लिए, अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से ज्यादा हो, तब आप कहेंगे देन डायरेक्शन इज राइट, देन डायरेक्शन इज राइट, इसका मतलब डायरेक्शन सही है। बट माय डियर, बट इफ इफ डीएस यूनिवर्स, लेकिन यदि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो हो जाता है, ठीक है? किसके लिए? फॉर वन टू प्रोसेस, फॉर वन टू प्रोसेस, देन वन टू या देन द डायरेक्शन इज रॉन्ग, तो फिर आपका डायरेक्शन गलत हो गया। तो डायरेक्शन आपका वन से टू के तरफ नहीं होगा, टू से वन के तरफ होना चाहिए, दैट मीन्स तो फिर आपका ये वाला सही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी प्रोसेस मान लीजिए आपको दे दिया गया है और आपको उसका डायरेक्शन पूछ रहा है कि बाबू बताओ इस प्रोसेस का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली उस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज आप वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर उस प्रोसेस के लिए प्रोसेस में कोई डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको वन से टू एक प्रोसेस है बट डायरेक्शन नहीं पता, मतलब वन से टू जाएगा या टू से वन जाएगा हमें नहीं पता, तो कोई एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए कि आपने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया कि वन से टू के तरफ प्रोसेस आपका जा रहा है, ओके, तो फिर उस वन टू प्रोसेस के लिए हम लोग यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा आ जा रहा है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो डायरेक्शन सही है। लेकिन यदि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो से कम आ जा रहा हो उस प्रोसेस के लिए, इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन सही होगा, ठीक है? दैट मीन्स फिर प्रोसेस आपका टू से वन के तरफ जाएगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सेकेंड लॉ के हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोसेस का डायरेक्शन पता कर लेते हैं, इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डायरेक्शनल लॉ भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इस पर बेस्ड हम लोग बाद में एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओनली दोज प्रोसेसेस ओनली दोज प्रोसेसेस आर पॉसिबल फॉर विच द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द चेंज इन
एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तभी आपका प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज आपका वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट के हेल्प से आप देख पा रहे हैं कि हमें किसी भी प्रोसेस का डायरेक्शन पता चलता है। बात समझ में आ गया? तो यहां से इस टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फर्स्ट में आपने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, इसका क्या कहना है? तो इसका कहना है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लगातार बढ़ते जा रहा है, वो घट नहीं सकता है, लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड है वो ज्यादा इरिवर्सिबल होते जा रहा है। ओके, तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, लगातार बढ़ते जाएगा और वो मैक्सिमम पहुंचना चाहता है, ये आपने सीखा। फिर आपने क्या देखा कि वही प्रोसेस पॉसिबल है जिस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो। ओके, तो चलिए माय डियर, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया हो। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा माय डियर, अभी आपने देखा यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज या तो जीरो से बड़ा हो या तो जीरो के बराबर हो। अब बताइए क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, डीएस यूनिवर्स को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, डीएस सराउंडिंग दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डीएस यूनिवर्स को? बिल्कुल लिख सकते हैं माय डियर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्स होता क्या है, यूनिवर्स किसके बराबर होता है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। तो आप पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं और यूनिवर्स में क्या आएगा, सिस्टम और सराउंडिंग आएगा। इसका मतलब है कि यदि आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालकर ऐड कर देंगे तो पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके चलिए, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स में हमें बस इतना ही देखना था। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे टीएस डायग्राम के बारे में। टीएस डायग्राम आप याद कीजिए, हम लोग जब क्लोज सिस्टम का वर्क पढ़ रहे थे तो उस टाइम वहां पर भी मैंने पीवी डायग्राम करके बताया था, ठीक है? सेम उसी अप्रोच से हम लोग यहां पर भी टीएस डायग्राम देखेंगे। तो आइए देखिए माय डियर, मान लीजिए कि आपने टीएस डायग्राम बनाया, दिस इज योर टीएस डायग्राम एज फॉर एंट्रोपी, टी फॉर टेम्परेचर। मान लीजिए कि यहां पर आपका एक प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस है, दिस इज योर प्रोसेस। ओके, तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कोई भी दो पॉइंट एज्यूम करेंगे, कोई भी दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एंट्रोपी चेंज है, इन दोनों पॉइंट के बीच के एंट्रोपी चेंज को हम लोग डीएस बोल देंगे, दिस इज डीएस। और इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, इस टेम्परेचर को हम टी बोल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तो देखिए यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत कम का डिफरेंस होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक एवरेज टेम्परेचर मान लेते हैं टी। अब यदि इस पोर्शन का आपको एरिया बोला जाए कि बाबू इसका एरिया कितना होगा, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो टी इनटू डीएस। ओके, सो यहां पर एरिया हमने निकाल लिया माय डियर फ्रेंड, टी इनटू डीएस। ओके, एंड वी नो दैट, वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डीएस इज इक्वल टू
डी क्यू बाय टी किसके लिए? फॉर रिवर्सिबल। ओके, तो क्या आप यहां से डी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? टी डी एस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, चूंकि ये रिवर्सिबल के लिए है तो इस हीट ट्रांसफर को आप क्या कहेंगे? रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। तो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर टी इंटू डी एस के बराबर होता है, और जब आप टी एस डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर भी हमें एरिया कितना मिलता है? टी इंटू डी एस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफर और एरिया दोनों बराबर है। सो डी क्यू इज इक्वल टू एरिया। कौन सा एरिया? जब उस प्रोसेस को हम एंट्रोपी एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे और जो हमें एरिया मिलेगा वो एरिया किसके बराबर हो रहा है? वो एरिया रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर के बराबर हो रहा है। आपको रिवर्सिबल वर्ड बोलना पड़ेगा क्योंकि आप रिवर्सिबल के लिए ही आपने लिखा है ना, तो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर मिलेगा। इसका क्या मतलब है? एरिया एरिया ऑफ ठीक है एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस, ठीक है, या सिंपली आप ये बोलेंगे एरिया अंडर ए प्रोसेस व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस गिव्स रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। जिस तरह आपने पीवी डायग्राम में देखा था कि पीवी डायग्राम को जब हम वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें जो एरिया मिलेगा उस एरिया को हम क्लोज सिस्टम वर्क कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी प्रोसेस को हम लोग एंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एरिया मिलेगा उस एरिया को हम लोग रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कहते हैं। तो यही है माय डियर आपका टीएस डायग्राम। तो आगे आपको जहां कहीं भी टीएस डायग्राम दिखे तो आप उस टाइम समझ जाएंगे कि कोई भी अगर प्रोसेस दिया हुआ है तो उस प्रोसेस के लिए आप हीट ट्रांसफर अगर वहां पर दिया हुआ है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर। बात समझ में आ गया? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके अभी समझाऊंगा यहां पर। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? हेंस हेंस एरिया एरिया अंडर ए कर्व एरिया अंडर ए कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन when projected on entropy axis gives reversible heat transfer। बात समझ में आ रहा? तो आपको क्या मिल जाएगा? reversible heat transfer मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए अब यहां पर एक एग्जांपल के हेल्प से समझा जाए। जब हम लोग कार्नोट साइकिल को टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूं, बस हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल Carnot's cycle on TS diagram. On TS diagram. Carnot cycle को हम लोग TS diagram पर कैसे represent करते हैं ये देख लीजिए my dear. This is your entropy axis. ये आपका temperature. तो यहां पर देखिए कार्नोट साइकिल किस तरह होगा माय डियर। ये है आपका कार्नोट साइकिल, 1, 2, 3 एंड 4। आप जानते हैं कार्नोट साइकिल में चार प्रोसेस होगा, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक मींस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो यहां पर आप खुद देख लीजिए 2-3 प्रोसेस एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल भी है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक। तो देखिए 2-3 प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कांस्टेंट है कि नहीं? 2-3 प्रोसेस के लिए माय डियर एंट्रोपी कांस्टेंट है।
तो इस 2-3 प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक कहते हैं, दैट मींस ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। उसी तरह 1-4 प्रोसेस के लिए, सॉरी 4-1 प्रोसेस, 4-1 प्रोसेस के लिए आप क्या देख रहे हैं, एंट्रोपी कांस्टेंट है, दैट मींस ये भी आइसेंट्रोपिक होगा, यानी ये भी क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और फिर उसी तरह 1-2 प्रोसेस और 3-4 प्रोसेस क्या है आपका, क्या है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहां से देखिए, यहां पर जो आपका हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन Q1, Q1, ओके, और यहां पर इस 3-4 प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिजेक्शन Q2। यहां का टेम्परेचर आपका क्या है, हाइयर टेम्परेचर T1, और यहां का टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर T2 या TL। लोअर मींस सिंक टेम्परेचर एंड T1 क्या है, हाइयर टेम्परेचर मींस सोर्स टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है, मतलब आप इस चीज को यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं, कार्नोट साइकिल को आप यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज योर कार्नोट साइकिल, ये आपका T1 टेम्परेचर सोर्स टेम्परेचर है जो कि हाइयर टेम्परेचर होगा, दिस इज योर सिंक टेम्परेचर विच इज लोअर टेम्परेचर, और फिर यहां पर आपको वर्क मिलेगा, और इस कार्नोट साइकिल में हीट एडिशन Q1 है, हीट रिजेक्शन Q2 है। तो साइकिल के फॉर्म में आप यहां पर इस तरह दिखा सकते हैं। अब देखिए माय डियर, यानी आप क्या देख रहे हैं कि T1 टेम्परेचर पर Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस कार्नोट साइकिल में ऐड हुआ है, और यहां पर भी आप वही चीज देख पा रहे हैं, Q1 हीट ऐड हुआ है किस टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर। तो अभी अभी आपने पढ़ा TS डायग्राम में किसी भी प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होगा एंट्रोपी एक्सिस तक, उस एरिया को हम रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कहते हैं। तो इस 1-2 प्रोसेस के लिए माय डियर, 1-2 प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर कितना है, Q1। तो इस Q1 का वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि यहां से यहां तक का एंट्रोपी चेंज आपका DS, तो Q1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इस 1-2 प्रोसेस के नीचे का कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया यानी ये वाला कंप्लीट एरिया जो होगा माय डियर, यही एरिया किसके बराबर होगा, Q1 के बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका लेंथ कितना है T1 और इसका विड्थ कितना है DS, सो Q1 इज इक्वल टू T1 DS। ओके ओके, फिर अब हम यहां पर Q2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, Q2 कितना होगा, तो Q2 किस प्रोसेस में है, तो Q2 आपका 3-4 प्रोसेस में है, 3-4 प्रोसेस में आपका Q2 है। तो इस प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा एंट्रोपी एक्सिस तक, वही एरिया जब आप निकालेंगे, दैट मींस ये वाला एरिया, यही एरिया जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, T2 इंटू DS। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह आप TS डायग्राम के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बात समझ में आ गया, आई होप कि ये चीज अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए माय डियर, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कंबाइंड इक्वेशन। ध्यान देंगे आप, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को कंबाइंड करें, दोनों ही लॉ को हम लोग कंबाइंड करेंगे। ओके चलिए कंबाइंड करके देखते हैं हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा, और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका काफी यूज होता है, ठीक है। तो आइए माय डियर, वी नो दैट, पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं, वी नो दैट DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV, ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV, ये आपने पढ़ा होगा, ये किसके लिए होता है, तो ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट किस प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माय डियर, फॉर
रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा क्यों? आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, एक्चुअल में आपका क्या फॉर्मूला था? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। वो किसी भी प्रोसेस के लिए हो सकता है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए तो वहां पर डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है? पी डी वी के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन आपका कैसा है? तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, सेकेंड लॉ में आपने क्या पढ़ा? सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा डीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी रिवर्सिबल। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? सो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ऐसा लिख सकते हैं। और ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा लॉ है? सो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये किसके लिए है? तो ये भी माय डियर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आ गया? आपने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दोनों इक्वेशन आपने लिख दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आपने लिख दिया। अब इस दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग, बाय कंबाइनिंग, जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो देखिए यहां पर डी क्यू लिखा हुआ है, तो डी क्यू बराबर क्या है? डी क्यू बराबर टी डी एस है। तो इस टी डी एस के वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। सो क्या मिल जाएगा हमें? टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यही है आपका माय डियर फ्रेंड कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर क्या कीजिए, आप मास से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय मास, डिवाइडिंग बाय मास। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो आप देख पा रहे हैं रिलेशन, उसमें सभी वर्ड कैपिटल में है। तो कैपिटल में होने का मतलब है कि वो एम मास के लिए है, एम मास के लिए है। लेकिन हम लोग अब यहां पर यूनिट मास के लिए निकालेंगे। तो यूनिट मास के लिए निकालने के लिए आपको मास से डिवाइड करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, टी इंटू डी एस बाई डी एम इज इक्वल टू डी यू बाई डी एम प्लस प्रेशर। क्या है प्रेशर? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसमें मास से डिवाइड करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास से डिवाइड करते हैं। और जब मास से डिवाइड करेंगे, आप इसमें क्या देख रहे हैं, इंट्रोपी में मास से डिवाइड हुआ है, इंट्रोपी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक इंट्रोपी हो जाएगा, यानी टी इंटू स्मॉल डी एस। फिर यहां पर देखिए डी यू बाई डी एम, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, उसमें भी मास से डिवाइड हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी यू यानी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। फिर यहां पर पी इंटू डी वी बाई डी एम को क्या लिखेंगे, स्मॉल डी वी। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं। ये भी क्या है आपका, कंबाइंड इक्वेशन वन है। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में अगर मास एम के लिए पूछ रहा हो तो आप ये वाला यूज करेंगे, और अगर यूनिट मास के लिए पूछ रहा हो तो आप इसका यूज करेंगे। यूनिट मास का मतलब पर केजी की अगर बात कर रहा होगा तो फिर आप इसको लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, फिर आप बोलेंगे कि सर ठीक है, आपने कंबाइंड इक्वेशन तो बता दिया, अब इसका ये बताइए कि इसको यूज कहाँ पर कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप इसका यूज हर जगह कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी, एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी, प्रेशर भी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है। तो जितने भी यहाँ पर आप अल्फाबेट देख रहे हैं वो सभी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए इस इक्वेशन को आप किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। दिस कंबाइंड इक्वेशन
दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस ऐसा क्यों? बिकॉज इट कनेक्ट्स द वेरियस प्रॉपर्टीज बात समझ में आ गया जी। तो ये था आपका कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट। ओके चलिए अब हम लोग यहां पर सेकेंड कंबाइंड इक्वेशन निकालकर देखना चाहते हैं। नाउ एक और कंबाइंड इक्वेशन होता है वो इंथैल्पी के टर्म में होगा। ये जो आपने देखा था ये इंटरनल एनर्जी के टर्म में है, टीडीएस बराबर डीयू प्लस पीडीवी। लेकिन अब इंथैल्पी के टर्म्स में आप कैसे निकालेंगे, तो आइए देख लेते हैं। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं माय डियर, हम लोगों ने पढ़ा है एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये हमने पढ़ा। अगर आप इसका चेंज निकालेंगे या इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एच बराबर आप क्या लिखेंगे, डी यू प्लस, एक बार प्रेशर बाहर रहेगा और एक बार वॉल्यूम बाहर रहेगा। ओके तो इस तरह आप लिखेंगे। ये जो टर्म देख रहे हैं डी यू प्लस पी डी वी, इसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ये क्या है, डी क्यू है। सो हमें क्या मिल गया, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डी पी। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी एच माइनस भी डी पी, ये हमें मिला जी, डी क्यू बराबर डी एच माइनस भी डी पी। और इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, वहां पर क्या मिला था, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, यहां पर क्या मिल रहा है हमें, डी क्यू बराबर डी एच माइनस पी डी पी एंथैल्पी के टर्म्स में। ओके फिर उसी तरह माई डियर सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ अभी आपने देखा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके अब दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए विथ कंबाइनिंग हम लोग क्या करेंगे माय डियर, दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर दीजिए। तो यहां पर डी क्यू के जगह पर आप क्या लिख देंगे, टी डी एस। सो टी डी एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, डी एच माइनस भी डी पी, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस भी डी पी। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी जितने भी आपका टर्म्स है एंड अल्फाबेट है वो सभी कैपिटल में है, दैट मीन्स ये सभी प्रॉपर्टी है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अभी नहीं मिला हमें। एंड दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन नंबर टू, दो कंबाइंड इक्वेशन आपको पढ़ना है, दोनों आपने देख लिया। अब यदि हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय एम, मास से डिवाइड करना होगा। तो आइए कर दीजिए। सो टी इंटू, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर आपने टेम्परेचर में क्यों नहीं डिवाइड किया, आपने डीएस में डिवाइड किया। तो माय डियर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें मास से डिवाइड करने पे हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक टेम्परेचर कभी सुने हैं, नहीं, स्पेसिफिक उसी में लगेगा जो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो। तो एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग
एंट्रोपी में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा उसी में मास से डिवाइड करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू डी एच बाय डी एम माइनस वी डिवाइड बाय मास इंटू डी पी। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात हुआ, आप यहाँ पे डीएम से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी डीएम से आपने डिवाइड किया बट यहाँ तो आपने मास से डिवाइड कर दिया। बाबू यहाँ पर डीएस था, चेंज इन एंट्रोपी था, तो चेंज इन मास से डिवाइड कीजिएगा ना, यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी था तो चेंज इन मास से कीजिएगा ना, बट यहाँ पर देखिए क्या है, भी है, सिर्फ वॉल्यूम है, तो सिर्फ मास से डिवाइड करेंगे हम लोग। ओके सो टी इंटू दिस इज योर स्मॉल डीएस, दिस इज योर स्मॉल डी एच माइनस स्मॉल वी इंटू डी पी, यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के टर्म में आपका ये कंबाइंड इक्वेशन टू है। कंबाइंड इक्वेशन टू, बात समझ में आ गया। चलिए फिर यहां पर वही चीज, फिर यहां पर वही चीज कि इस इक्वेशन का यूज हम लोग कहां पे करेंगे, इस इक्वेशन का यूज कहां पे करें, तो यहां पर भी आप देख लीजिए जितने भी अल्फाबेट आप देख रहे हैं वो सभी क्या है, प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी भी, एंथैल्पी, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसीलिए इस इक्वेशन को आप किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके सो दिस इक्वेशन is also valid for any process, because it connects the various properties. It connects the various properties. Okay. तो my dear friend, आपने दो combined equation देखा, ठीक है? एक combined equation आपने क्या देखा? TdS is equal to du plus PdV. और दूसरा क्या देखा आपने? TdS बराबर dH minus VdP. तो ये दोनों आपको याद रखना होगा. एक आपने देखा TdS is equal to du plus PdV, एक आपने देखा TdS is equal to dH minus VdP, ये ही दोनों आपका क्या है, combined equation है, और इस equation का बहुत ही ज्यादा use होता है my dear, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, आप यहां पर भी देखेंगे entropy chapter में भी हम लोग इसका काफी use करेंगे, okay? तो प्लीज आप इसको याद रखिए। तो ये था आपका माय डियर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा माय डियर, हम लोगों ने सबसे पहले यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज देखा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस सेशन का, आज के इस सेशन के लिए माय डियर फ्रेंड ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको दो तीन चीज बताया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग है आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ओके एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि वही प्रोसेस पॉसिबल है जिस प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जीरो के बराबर हो या जीरो से ज्यादा हो, और इसको इसका क्या मतलब है, कैसे हम लोग करेंगे, वो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दिया था, बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने टीएस डायग्राम देखा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी प्रोसेस अगर टीएस डायग्राम पर है तो उस प्रोसेस को यदि हम एंट्रोपी एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एरिया मिलेगा उसी एरिया को हम क्या कह देंगे, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कह देंगे, ठीक है। फिर यहां पर भी मैंने आपको कार्नोट साइकिल का एग्जांपल लेकर मैंने उस चीज को आपको समझाया कि टीएस डायग्राम में जो कह रहा है उसका क्या मतलब है, उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, वो मैंने यहाँ पर आपको कार्नोट साइकिल को टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करके बताया, बात समझ में आ रहा है।
उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो फिर हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए, एक बार हमने क्या किया, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी करके ले लिया। ये क्या है, फर्स्ट लॉ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर उसी तरह सेकेंड लॉ फॉर रिवर्सल प्रोसेस क्या होता है, डी क्यू बराबर टी डी एस। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो आपका एक फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन मिल गया, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, उसी तरह हम लोग इंथैल्पी का यूज करके सेम उसी प्रोसेस से हमने क्या किया, सेकेंड कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस पी डी पी। तो माय डियर फ्रेंड, ये दोनों ही कंबाइंड इक्वेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये आपका एंट्रोपी का थर्ड लेक्चर था। ओके, हम लोग एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता जाऊंगा। फिर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि जब तक एंट्रोपी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका एंट्रोपी क्लियर नहीं होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एंट्रोपी कभी भी क्लियर नहीं होता है माय डियर। ठीक है, आपका एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आ जाएगा बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका एंट्रोपी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।